हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो जो बन रही है उसको आप लाइक करना। तो आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की है। मैंने वैसे बहुत ही कम जो चीज़ें हैं ऑनलाइन परचेज़ की है, तो जो दो तीन चीज़ें हैं वो मैंने मीशो से मंगवाई है और एक साड़ी मंगवाई थी मैंने, तो वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई है। तो फ्लिपकार्ट और मीशो में मुझे ये फ़र्क लगा कि फ़्लिपकार्ट में थोड़ा सा महंगा मिलता है फ़्लिपकार्ट अमेज़ोन में, और जो मीशो है उसमें हमें वही चीज़ थोड़ी सी कम रेंज में मिलती है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको एयररिंग्स। ये ग्रीन कलर के एयररिंग्स मंगवाए थे मैंने, ये मंगवाए मैंने मीशो से। तो ये 150 से मतलब थोड़े से कम प्राइस में मिले होंगे मुझे, तो देख सकते हैं आप, अच्छे लग रहे हैं ना। तो आप मतलब अगर आप बाज़ार में यही लेने जाएंगे तो 250 से, मतलब 250 के करीब आपको मिल जाएंगे, लेकिन मीशो में मुझे ये 150 या इससे भी कम मिले हैं। तो दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ पर्स से निकाल के। ये जो ज्वेलरी सेट है ये मंगवाया था मैंने अपनी शादी के लिए, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था जिस टाइम उस पर सेल लगी हुई थी। उसमें इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सॉरी एक हार है, मांग टिक्का है, और कान के लिए एयरिंग्स और नोज़ के लिए नथ है, तो देख सकते हैं आप। तो ये मुझे 400 कुछ की मिली है, ये देख सकते हैं आप गले का। चलो लगा के बताती हूँ मैं आपको। सॉरी टोपी निकालने भूल गई, देख सकते हैं आप। ये इसकी नथ है, ये जो है ये है मांग टीका, ये टिकेगा ये नहीं, ये मांग टीका। और एयरिंग्स दिखाती हूँ मैं आपको, ये निकालने पड़ेंगे मुझे। इनको आप चाहे तो पीछे लगा सकते हैं, या तो मतलब अगर आपने जूड़ा वगैरह बनाया है तो आप पीछे भी इनको लगा सकते हैं, पीछे भी करके लगा सकते हैं। ये ज्वेलरी सेट आपको अगर यहीं बाज़ार में कुल्लू में लेना होगा तो शायद 1000 तक मिल जाएगा आई थिंक, लेकिन ऑनलाइन मुझे ये 400 या 450 इतने का ही मिला है, देख सकते हैं आप। चलो वीडियो बनाते तक मैं इसको पहन के रखती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर ज्वेलरी है, ये बस मैंने जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम यूज़ की थी, और उसके बाद मैंने मंगवाया है मीशो से। ये मैंने मीशो से मंगाया है, पहले जो एयरिंग्स दिखाए थे वो भी मीशो से। इसके बाद मैंने ये जो नायरा कट सूट है ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया। इसका जो प्लाजो वो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। मैं इसके साथ इसकी पिक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं पिक को, देखिए। अगर मैं पिक नहीं लगा पाई तो आप ऐसे ही देख लो इसको, ये नायरा कट है, नायरा कट इसके साथ प्लाजो है।
तो इसके साथ ये स्काई कलर की इसकी चुन्नी है, प्लाजो यही है, मैरून कलर बोल सकते हैं इसको या फिर कुछ और सा कलर है। तो ये इसकी चुन्नी है, बहुत ही प्यारी है, इसमें फ़ोटोज इतने प्यारे आते हैं ना, बहुत ही मतलब हर कुछ। अब तो ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में मंगवाया था तो उस टाइम इतना सुंदर लग रहा था ये। इसका प्लाजो मुझे मिला नहीं, तो आप मीशो में जाकर आप देख सकते हैं इसको। और इसके बाद मंगाया मैंने ये वाला सूट, ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किया है। ये है इसकी चुन्नी, तो देख सकते हैं आप, ये मुझे 500 से नीचे का ही, मतलब 500 से कम ही पड़ा है। तो ये देख सकते हैं आप चुन्नी, ये इसकी चुन्नी और ये प्लाजो, प्लाजो में जो गले में भर के वही प्लाजो में भी है। और ये देखो, ये जो कुर्ती मैंने दिखाई थी, ये कुर्ती देख सकते हैं आप। तो इसके बाद मैंने एक और सूट मंगाया था मीशो से, ये तो मैंने अपने कुल्लू में बहुत से लोगों के पास देखा, ये भी मतलब 500 से कम की रेंज में मुझे मिला है। ये देख सकते हैं आप कुर्ता, ये इसका प्लाजो, और प्यारी सी इसकी चुन्नी। तो गाइस देख सकते हो आप, ये मैंने ज्वेलरी की फ़ोटो डाली है, और ये जो मेरी शादी हुई थी उस टाइम की फ़ोटो डाली हुई है मैंने। ये दूसरा जो नायरा कट सूट है, मम्मी के साथ पिक डाली है, ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। और तीसरा सूट जो मैंने मीशो से मंगवाया है, इसको भी देख सकते हैं आप, ये इसको भी देख लो आप पिक में, देख सकते कितना सुंदर सूट लग रहा है। तो गाइस जो मैंने मीशो से परचेज़ किया था वो तो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, ये है रेड कलर की मेरी साड़ी, ये मैंने अब से मतलब 1.5 साल पहले ली थी, जिस टाइम मेरी शादी होनी थी। तो इसको पहनने का मौका मुझे आज तक कभी नहीं मिला है, जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पहनूंगी, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये मुझे फ्लिपकार्ट में मिली है 800 के करीब, ये देखो मैंने इसको स्टिच करवाया है। तो स्टिच करवाने के लिए मुझे इसको लगे थे 1000, तो 800 की ये साड़ी मिली थी, 1000 में मैंने इसको स्टिच करवाया। इसके साथ मुझे मिला ये ब्लाउज़, इसको भी स्टिच करवाया था मैंने, ये साड़ी के साथ मतलब सिंपल ही मिला था। तो इसका जो पेटीकोट है वो मुझे खुद ही लेना पड़ा, तो पेटीकोट नहीं मिला था, बस ये साड़ी और ब्लाउज़ मिला है। ये मुझे मिली थी फ्लिपकार्ट में 800 के करीब, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, अभी मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने ये 1.5 साल पहले ली थी। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, यही थी मेरी वीडियो ऑनलाइन शॉपिंग की। तो आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली है ऑनलाइन, आपको चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल जाती है, खासकर मीशो पे। तो जो भी मैंने अपने ये दो सूट दिखाए हैं, मैंने इनको कितनी बार धोया पर ये बिल्कुल अभी भी बिल्कुल न्यू है, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, बाय बाय।